देखिए, स्मार्ट सिटी की तो हमने बात करी थी, उसके लिए जैसा मैंने कहा है कि इस विषय को हमने 16वें वित्त आयोग के समक्ष भी उठाया है और आने वाले समय में हम जो अब नए हमारे शहरी विकास मंत्री बने हैं केंद्र सरकार में, आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी जो पूर्व में हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनसे भी हम जाकर आने वाले समय में मिलेंगे, क्योंकि स्मार्ट सिटी अब 2024 में ख़त्म हो रहा है। इस तर्ज पर हमको कुछ नए प्रोजेक्ट्स जो है वो केंद्र से स्वीकृत करवाने की आवश्यकता है। इस विषय पर हम उनसे मिलेंगे ताकि जैसे शिमला और धर्मशाला की मैंने बात कही, वैसे आने वाले समय में और शहरों को भी इसमें जोड़ा जा सके, ये हमारी प्राथमिकता है। और वैसे ही जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम्स है, जैसे शिमला के अंदर 1200 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे बन रही है, उस पर काम चला हुआ है, वर्ल्ड बैंक फंडेड है, वैसे ही हमने वर्ल्ड बैंक के अधिकारियों से भी मैंने अभी कुछ ही दिन पहले चर्चा करी है, बात करी है, और उसमें मंडी शहर को जोड़ने के लिए भी उनसे मैंने निवेदन किया है, उसकी उन्होंने प्रपोजल अभी स्टडी जो है वो वर्ल्ड बैंक कर रहा है। जैसे ही इसकी अनुमति मिलती है उसके बाद इसको कैबिनेट में ले आ जो है इस प्रोजेक्ट को हम लेकर आएंगे, वहाँ से अनुमति मिलने के बाद इसको हम इम्प्लीमेंट करने का भी पूरा प्रयास जो है वो करेंगे। नहीं, इस पर भी पूरी मजबूती से हम काम कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ जगहों पर येलो अलर्ट है, कुछ जगहों पर ऑरेंज अलर्ट है, कुछ जगहों पर रेड अलर्ट है, तो उस दृष्टि से मैंने कुछ ही दिन पहले अपने विभाग की ऑनलाइन बैठक सभी SCs के साथ, चीफ इंजीनियर्स के साथ करी है और उनको रिक्विजिट मैन पावर हर इलाके में, डिप्लॉयमेंट ऑफ मशीनरीज हर इलाके में करने के लिए उनको आदेश दिए हैं, और जहां पर भी कोई सहयोग की आवश्यकता है उसके लिए हम निरंतर उसको स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं। कोई भी ऐसी अगर कोई समस्या आती है, जैसा मैंने कहा कि हमने पहले ही मशीनरियां ली हुई है, हमने बेली ब्रिजेस पहले से लेकर रखे हुए हैं, तो कहीं पर भी अगर इस तरीके की परिस्थिति बनती है तो हम उसको निपटने का हर संभव प्रयास करेंगे। बाकी सरकार के और भी जो, चाहे हमारा SDRF है, चाहे हमारा और जो इसके विंग्स है वो भी इसके ऊपर काम करेंगे, जो हमारा जिला प्रशासन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी इस पर नज़र बनाए हुए हैं, और एक कलेक्टिवली एक टीम वर्क के साथ हम इसको निपटने का हर संभव प्रयास करेंगे। तीन नए कानून जो है, देखिए जब ये कानून पास किए गए, IPC को जब चेंज करके जो नए आपके पीनल कोड्स लाए गए हैं, इस पे जिस तरीके की चर्चा होनी चाहिए थी लोकसभा के अंदर वो नहीं हुई है, और हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी और भी जो विपक्ष के साथी है सभी ने इस चिंता को व्यक्त किया कि ये कानून उस समय लोकसभा के अंदर पारित किए गए जब करीबन 150 सांसद जो है वो निलंबित थे, और उस समय इस इतने महत्वपूर्ण कानून को पास कर देना बिना किसी चर्चा के, बिना किसी डिबेट के, ध्वनि मत से उनको पास कर देना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इसके रिपरकशंस आने वाले समय में देश के हर कोने के अंदर होंगे। इसलिए ऐसे कानून में मैं ये नहीं कहूँगा कि अच्छे हैं या बुरे हैं, वो तो जो है वो आने वाला समय ही उस चीज़ को बताएगा, मगर निश्चित तौर से जब इतना महत्वपूर्ण कोई कानून जो है बिल लोकसभा के अंदर पारित हो रहा था तो उसमें जो है चर्चा होनी चाहिए थी, विपक्ष की आवाज़ भी उसमें आनी चाहिए थी, और वही मांग अब भी विपक्ष ने रखी है कि इसको जो है फिर से लोकसभा के अंदर चर्चा पे लाया जाए, मगर सरकार ने उस बात को शायद सुना नहीं है, मगर फिर भी मैं समझता हूँ कि उस चीज़ को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। हालांकि आज से वो कानून जो है वो देश के अंदर इम्प्लीमेंट हो गए हैं, मगर फिर भी इसको इसके ऊपर पुनर्विचार होना चाहिए, और जो मांग हमारे नेता प्रतिपक्ष ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने और विपक्ष के साथियों ने लोकसभा के अंदर रखी है, उसके ऊपर निश्चित तौर से केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले जो 16th फाइनेंस कमीशन हिमाचल प्रदेश आए हैं और उन्होंने जो यहाँ पे यहाँ की जो वित्तीय परिस्थिति है उसके बारे में भी जानकारी, जो वहाँ पे डिटेल्ड प्रेजेंटेशन हमारे गवर्नमेंट की ओर से हुई है उसमें उनको दी गई है, और ख़ास रूप से मुख्यमंत्री जी ने उसमें अपने सभी विषय जो प्रदेश से संबंधित है उसको रखा है, और मैंने भी जो हमारे डिपार्टमेंट से कंसर्न्ड मुद्दे हैं जिनको केंद्र से उठाने की आवश्यकता है, उस विषय में खास करके जो PWD डिपार्टमेंट में जो भारी नुकसान पिछले आपदा के समय हमको देखने को मिला, जिसमें करीबन 4000 करोड़ रुपए का नुकसान प्रदेश को हुआ, हमने उन विषयों को गहराई से कमीशन के समक्ष रखा ताकि उसमें सहयोग जो है वो RNR में हिमाचल को दिया जाए, और उसके साथ साथ जो आपका पैसा आपके इसमें डिजास्टर में मिलता है, चाहे सेंट्रल डिजास्टर रिलीफ फंड के माध्यम से या SDRF के माध्यम से, उसमें भी इन्हेंसमेंट करवाई जाए ताकि आगामी भी जो हमारा मॉनसून सेशन आना है उसके लिए वी शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। हालांकि हमने पिछले साल के जो कुछ कमियां अगर रही उससे सीख लेते हुए हमने रिक्विजिट मशीनरी भी इस बारी प्रोक्योर करी है, करीबन 40 करोड़ रुपए के हमने नए JCB मशीन्स ली हैं,
हमने पोकलैन मशीन्स ली है, बेली ब्रिजेस जगह जगह पे हमने डिप्लॉय करे हैं, कहीं पर भी आवश्यकता पड़ती है उनको तुरंत वहाँ पे डिप्लॉय किया जा सकता है। इसलिए हमने इस मॉनसूनस के लिए पूरी मजबूती से कार्य किया है, मगर फिर भी कई लाइबिलिटीज हमारी अभी भी जो है वो बनी हुई है, इसलिए हमने केंद्र से सहयोग मांगा। वैसे ही जो हमारा शहरी विकास मंत्रालय है उसमें भी हमने ये विषय रखा है, जिस तरीके से स्मार्ट सिटी के तहत धर्मशाला और शिमला को पूर्व में जोड़ा गया था, उसी तर्ज पर नए शहरों को जोड़ने की आवश्यकता है, चाहे उसमें मंडी है, चाहे धर्मशाला है, मनाली, क्योंकि हालांकि वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नहीं है मगर क्योंकि एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इसलिए वहाँ पे बेसिक सिविक अम्यूनिटीज़ होना, पार्किंग की सुविधाएं होना, सिवरेज की उसको बेहतरीन करना, पानी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम को मजबूत करना, ये हमारी प्राथमिकताएं हैं। उन विषयों को भी हमने उनके समक्ष रखा है, तो हमें आशा है कि इन विषयों को वो जो है रिकमेंडेशन सही रूप से केंद्र सरकार के समक्ष रखेंगे और आने वाले समय में हिमाचल को इसमें सहयोग मिलेगा। मगर जो सबसे बड़ा विषय मैं समझता हूँ कि इसमें केवल हमारे विभाग से संबंधित नहीं मगर पूरे प्रदेश सरकार से संबंधित है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, वो हमारा रेवेन्यू डेफिशिट ग्रांट का है, क्योंकि जो पहाड़ी राज्य है उनको ये सहयोग केंद्र सरकार से, जो हमारा इनकम में और हमारे एक्सपेंडिचर में जो डिफरेंस रहता है उसको उसको जो है सब्सटैंशिएट करने के लिए रेवेन्यू डेफिशिएट ग्रांट जो है वो केंद्र सरकार की ओर से दी जाती थी, जो एक समय में 12,000 करोड़ थी और उसको 15वें वित्त आयोग के रिकमेंडेशन पे कम कर अब वो मात्र 3,000 करोड़ रुपए रह गई है। और इस विषय को पूरी मजबूती से मुख्यमंत्री जी ने भी जो है उसको 16वें वित्त आयोग के समक्ष उठाया है कि जो हमारा आरडीजी है रेवेन्यू डेफिशिएट ग्रांट, इसको 14वें वित्त आयोग के तहत इसको वापस बहाल किया जाए, ताकि जो हमारी गैप फंडिंग है उसको हम केंद्र सरकार से ले सकें और फिर हम अपने एक्सपेंडिचर, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, चाहे हमारे पेंशन्स का कमिटेड लाइबिलिटीज़ है, चाहे एम्प्लॉयज़ की कमिटेड लाइबिलिटीज़ है, चाहे और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, उनको हम जो है वो पूरा करने में केंद्र से हमको सहयोग मिल सके, इस दृष्टि से हमने इन विषयों को 16वें वित्त आयोग के समक्ष जो है वो सरकार ने रखा है। नहीं, पार्टी के नेताओं से भी चर्चा करना हमारा दायित्व है, उस संदर्भ में दिल्ली में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मैं उनसे भी मिला, और कुछ दिन पहले जो हमारी महासचिव है कांग्रेस पार्टी की आदरणीय प्रियंका जी, उनसे भी हम मिले, और जो पार्टी की पार्टी के कार्य चल रहे हैं उसके बारे में भी और सरकार का भी जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में भी उनसे हमने सकारात्मक चर्चा करी, उनको जानकारी दी, और जो भी उनके आदेश है, जो उनके विचार है किस तरीके से हमें आगे काम करना है उस पर भी हम जो है मजबूती से काम करेंगे। और टनल भी एक बहुत महत्वपूर्ण टनल है, क्योंकि जो हमारा NH 305 है, जो आपका सैंज से, लूरी से होकर जो है ओट में जाकर मिलता है जिला कुल्लू में, और बहुत सा टूरिस्ट हमारा जो जो ब्यास नदी के बेसन में आता है, वैली में आता है, उनको सतलुज नदी के वैली में आने के लिए, चाहे वो किन्नौर का इलाका है, रामपुर का इलाका है, आउटर सिराज का इलाका है, वहाँ के लोगों के लिए एक बड़ी लंबी समय से एक मांग थी कि जो जलोड़ी जोत हमारा पास है वहाँ पर टनल का निर्माण होना चाहिए, तो उसके लिए हमारे विभाग ने 20 करोड़ रुपये की PMC उसके लिए जो उसका सर्वे होना है उसके लिए स्वीकृति दे दी है, उसका सर्वे वर्तमान में चला है। अभी जब मैं हाल ही में आदरणीय गडकरी साहब से दिल्ली में मिला था, मैंने इस टनल के बारे में विशेष रूप से उनसे निवेदन किया है, और उन्होंने कहा है कि जैसे ही इसकी जो है ऑडिटिंग का काम, इसके सर्वे का काम पूरा हो जाता है, उसके बाद जो इसकी टेंडर कॉल करने के लिए एडिशनैलिटी इसमें चाहिए होगी वो उन्होंने कमिट किया है, तो निश्चित तौर से इसको हम आने वाले समय में बहुत जल्द इसके टेंडर्स कॉल करवाए जाएंगे और निकट भविष्य में इसका कार्य जो है वो जरूरी जो टनल का शुरू करवाया जाएगा। नहीं, अगले एक आधे दिन में हम भी जो है तीनों विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे, और जहाँ जहाँ पर्टिकुलरली मेरी ड्यूटी जो है वो नालागढ़ में लगाई गई है, तो वहाँ पर भी मैं जाऊँगा, और पार्टी को मजबूत करने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि तीनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी हैं वो मजबूत है और वहाँ से फतेह हासिल करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरीके से जो एक जनता के विरुद्ध इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराने का जो एक प्रयास किया गया था उसके खिलाफ ये मैंडेट है। अभी पीछे जो हमारे विधानसभा के उपचुनाव लोकसभा के साथ हुए उसमें भी कांग्रेस पार्टी को मेजॉरिटी 6 में से 4 सीटों में मिली है, और हमें विश्वास है कि अब फिर से हमको वो मेजॉरिटी इन तीनों सीटों में मिलेगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार को और स्टेबिलिटी इससे मिलेगी, और जो हमारा कार्यकाल शेष है उसमें हम अपने जो हमारे विकास के कार्य प्रदेश के अंदर चल रहे हैं उनको हम पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। अच्छा,
सिटी के कुछ बड़े नहीं। देखिए, स्मार्ट सिटी की तो हमने बात करी थी, उसके लिए जैसा मैंने कहा है कि इस विषय को हमने 16वें वित्त आयोग के समक्ष भी उठाया है और आने वाले समय में हम जो अब नए हमारे शहरी विकास मंत्री बने हैं केंद्र सरकार में, आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी जो पूर्व में हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनसे भी हम जाकर आने वाले समय में मिलेंगे, क्योंकि स्मार्ट सिटी अब 2024 में ख़त्म हो रहा है। इस तर्ज पे हमको कुछ नए प्रोजेक्ट्स जो है वो केंद्र से स्वीकृत करवाने की आवश्यकता है। इस विषय पर हम उनसे मिलेंगे ताकि जैसे शिमला और धर्मशाला की मैंने बात कही, वैसे आने वाले समय में और शहरों को भी इसमें जोड़ा जा सके, ये हमारी प्राथमिकता है। और वैसे ही जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम्स है, जैसे शिमला के अंदर 1200 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे बन रही है, उस पर काम चला हुआ है, वर्ल्ड बैंक फंडेड है, वैसे ही हमने वर्ल्ड बैंक के अधिकारियों से भी मैंने अभी कुछ ही दिन पहले चर्चा करी है, बात करी है, और उसमें मंडी शहर को जोड़ने के लिए भी उनसे मैंने निवेदन किया है। उसकी उन्होंने प्रपोजल अभी स्टडी जो है वो वर्ल्ड बैंक कर रहा है, जैसे ही इसकी अनुमति मिलती है उसके बाद इसको कैबिनेट में ले आ जो है इस प्रोजेक्ट को हम लेकर आएंगे, वहाँ से अनुमति मिलने के बाद इसको हम इम्प्लीमेंट करने का भी पूरा प्रयास जो है वो करेंगे। नहीं, इस पर भी पूरी मजबूती से हम काम कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ जगहों पर येलो अलर्ट है, कुछ जगहों पर ऑरेंज अलर्ट है, कुछ जगहों पर रेड अलर्ट है, तो उस दृष्टि से मैंने कुछ ही दिन पहले अपने विभाग की ऑनलाइन बैठक सभी SCs के साथ, चीफ इंजीनियर्स के साथ करी है और उनको रिक्विजिट मैन पावर हर इलाके में, डिप्लॉयमेंट ऑफ मशीनरीज हर इलाके में करने के लिए उनको आदेश दिए हैं, और जहां पर भी कोई सहयोग की आवश्यकता है उसके लिए हम निरंतर उसको स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं। कोई भी ऐसी अगर कोई समस्या आती है, जैसा मैंने कहा कि हमने पहले ही मशीनरियां ली हुई है, हमने बेली ब्रिजेस पहले से लेकर रखे हुए हैं, तो कहीं पर भी अगर इस तरीके की परिस्थिति बनती है तो हम उसको निपटने का हर संभव प्रयास करेंगे। बाकी सरकार के और भी जो, चाहे हमारा SDRF है, चाहे हमारा और जो इसके विंग्स है वो भी इसके ऊपर काम करेंगे, जो हमारा जिला प्रशासन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी इस पर नज़र बनाए हुए हैं और एक कलेक्टिवली एक टीम वर्क के साथ हम इसको निपटने का हर संभव प्रयास करेंगे। तीन नए कानून जो है देखिए, जब ये कानून पास किए गए IPC को जब चेंज करके, जो नए आपके पीनल कोड्स लाए गए हैं, इस पे जिस तरीके की चर्चा होनी चाहिए थी लोकसभा के अंदर वो नहीं हुई है, और हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी और भी जो विपक्ष के साथी है सभी ने इस चिंता को व्यक्त किया कि ये कानून उस समय लोकसभा के अंदर पारित किए गए जब करीबन 150 सांसद जो है वो निलंबित थे, और उस समय इस इतने महत्वपूर्ण कानून को पास कर देना बिना किसी चर्चा के, बिना किसी डिबेट के, ध्वनि मत से उनको पास कर देना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इसके रिपरकशंस आने वाले समय में देश के हर कोने के अंदर होंगे। इसलिए ऐसे कानून में मैं ये नहीं कहूँगा कि अच्छे हैं या बुरे हैं, वो तो जो है वो आने वाला समय ही उस चीज़ को बताएगा, मगर निश्चित तौर से जब इतना महत्वपूर्ण कोई कानून जो है बिल लोकसभा के अंदर पारित हो रहा था तो उसमें जो है चर्चा होनी चाहिए थी, विपक्ष की आवाज़ भी उसमें आनी चाहिए थी, और वही मांग अब भी विपक्ष ने रखी है कि इसको जो है फिर से लोकसभा के अंदर चर्चा पे लाया जाए, मगर सरकार ने उस बात को शायद सुना नहीं है, मगर फिर भी मैं समझता हूँ कि उस चीज़ को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। हालांकि आज से वो कानून जो है वो देश के अंदर इम्प्लीमेंट हो गए हैं, मगर फिर भी इसको इसके ऊपर पुनर्विचार होना चाहिए, और जो मांग हमारे नेता प्रतिपक्ष ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने और विपक्ष के साथियों ने लोकसभा के अंदर रखी है, उसके ऊपर निश्चित तौर से केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले जो 16th फाइनेंस कमीशन हिमाचल प्रदेश आए हैं और उन्होंने जो यहाँ पे यहाँ की जो वित्तीय परिस्थिति है उसके बारे में भी जानकारी, जो वहाँ पर डिटेल्ड प्रेजेंटेशन हमारे गवर्नमेंट की ओर से हुई है, उसमें उनको दी गई है, और ख़ास रूप से मुख्यमंत्री जी ने उसमें अपने सभी विषय जो प्रदेश से संबंधित है उसको रखा है, और मैंने भी जो हमारे डिपार्टमेंट से कंसर्न्ड मुद्दे हैं जिनको केंद्र से उठाने की आवश्यकता है, उस विषय में खास करके जो PWD डिपार्टमेंट में जो भारी नुकसान पिछले आपदा के समय हमको देखने को मिला, जिसमें करीबन 4000 करोड़ रुपए का नुकसान प्रदेश को हुआ, हमने उन विषयों को गहराई से कमीशन के समक्ष रखा ताकि उसमें सहयोग जो है वो R&R में हिमाचल को दिया जाए, और उसके साथ साथ जो आपका पैसा आपके इसमें डिज़ास्टर में मिलता है, चाहे सेंट्रल डिज़ास्टर रिलीफ फंड के माध्यम से या SDRF के माध्यम से, उसमें भी इन्हेंसमेंट करवाई जाए ताकि आगामी भी जो हमारा मॉनसून सेशन आना है उसके लिए वी शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। हालांकि हमने पिछले साल के